नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सांसदों को चेतावनी, में 2019 में देखूंगा, सांसद एक संकल्प लें और 2022 तक पूरा करें। निवृत्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले, देश के मुस्लिमों में असुरक्षा और घबराहट का माहौल। अलकायदा का आतंकवादी रजाउल अहमद राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार, मिल सकती है देश में सक्रिय अलकायदा स्लीपर सेल की जानकारी। भूटान ने कहा, झूठ बोल रहा है चीन, डोकलाम हमारा इलाका है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीयूसी के बगैर नहीं होगा वाहनों का बीमा। बर्निका कुंडू का पीछा करने के मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास पुलिस रिमांड पर। किसी भी हवाई अड्डे पर नियम तोड़ने पर हो सकता है 10 से 25 गुना जुर्माना। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत चीन के बीच युद्ध की आशंका नहीं। गंगा संरक्षण राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा, गंगा सफाई के लिए विश्व बैंक से $1 अरब की मदद दी गई है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, नीतियों में सुधार से कपड़ा क्षेत्र में बढ़ा विदेशी निवेश। उत्तर कोरिया ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक, मिसाइल दागने की दी चेतावनी। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।